और उसको उसी के सहपाठी आकर उसको थप्पड़ लगाते हैं, बच्चा रो पड़ता है, बच्चा रो पड़ता है तो उसके सहपाठी संकोच कर रहे हैं उसको मारने में, परंतु अध्यापिका बोल रही हैं उसको लगाना है, उनको आनंदित नहीं हुई है वो। एक बच्चा उसकी पीठ पे भी मारता है, वो उसके फेस पे नहीं मारता है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना रुला देने वाला वीडियो है कि जहाँ महिलाओं को हम करुणा की, हाँ ममता की देवी के रूप में हम भारतीय देखते हैं, वहाँ पर एक महिला जो कि अध्यापिका भी हैं, उनके हृदय के अंदर इतना विष, और इस विष के बाद उनकी जीभा से ऐसी बातें निकलना कि मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध वो कुछ कह रही हैं, ये बहुत डरावना है। वीडियो को लगातार वायरल किया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये नफरत का माहौल है, या फिर लगता है कि क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जो नहीं सुना पाता तो उसमें एक थप्पड़ लगाओ ताकि अगर तुम पढ़ के आओ। ये सब हम लोग बचपन में देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो अपने आप में बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जहाँ हम समानता की बात करते हैं वहाँ पर एक इस तरह से ये अत्याचार हो रहा है। दूसरी बड़ी बात ये, आपने बात कही अपने बचपन की, हमारे बचपन की, हमारे बचपन में था कि हमारे अध्यापक ना कि सिर्फ हमें मारते थे बल्कि हमें सज़ा मिलती थी अच्छी खासी। कई बार तो होता था कि छड़ी से भी हमें पीटा जाता था। परंतु आज के 2013 के भारत में आप किसी स्कूल में अध्यापक को मारते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि अब ये एक तरह से एक जुर्म सा बन गया है कि आप किसी को पीट नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ हम अध्यापक की बात करते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, यहाँ तक कि मैं आपको अभी एक बात बताऊं। कल ही फ्राइडे था, मैं नमाज़ पढ़ने गया मस्जिद, जुमे की नमाज़ पढ़ने गया, वहाँ पे बाकायदा बयान हो रहा था, मतलब कि उपदेश दिया जा रहा था मस्जिद में कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता समान होते हैं और बच्चों के लिए वो वही होते हैं, और जो एक गुरु होता है उसका जो उसके छात्र छात्राएं हैं वो उसके औलाद के समान होती हैं। परंतु जो हम देख रहे हैं इन अध्यापका ने जो किया है, और ना कि सिर्फ किया है कि एक बच्चा खड़ा है और उसको उसी के सहपाठी आकर उसको थप्पड़ लगाते हैं, बच्चा रो पड़ता है तो उसके सहपाठी संकोच कर रहे हैं उसको मारने में, परंतु अध्यापका बोल रही हैं उसको लगाना है, उनको आनंदित नहीं हुई है वो। एक बच्चा उसकी पीठ पे भी मारता है, वो उसके फेस पे नहीं मारता है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना रुला देने वाला वीडियो है कि जहाँ महिलाओं को हम करुणा की, हाँ ममता की देवी के रूप में हम भारतीय देखते हैं, वहाँ पर एक महिला जो कि अध्यापिका भी हैं, उनके हृदय के अंदर इतना विष, और इस विष के बाद उनकी जीभा से ऐसी बातें निकलना के मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध वो कुछ कह रही हैं, ये बहुत डरावना है। पीछे मसला क्या है, क्या पूरा सिनेरियो है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये एकमात्र वीडियो है जो कि हमने देखा और जो कि लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस तो खैर मेरे ख्याल से बोले नहीं हैं अभी तक, मगर मैं धन्यवाद करता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कि जो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। ये एकमात्र वीडियो जो दिख रहा है, मगर बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हैं जो लोग जानते ही नहीं, जो देखी नहीं गई। सबसे पहली बात तो ये है, इस महिला के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर धाराएं लगाकर इनको दंडित करना चाहिए, उस विद्यालय को सील करना चाहिए, और किसी तरह से, बल्कि यही नहीं, बल्कि जिन छात्रों ने अपने सहपाठी को थप्पड़ लगाए और इस अध्यापिका ने उनको विवश किया, उन छात्रों के अभिभावकों को इस महिला टीचर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के हृदय के अंदर इस प्रकार से ये विष घोलने का काम कर रही है। आपको ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मसला है? ये तो स्पष्ट है, ये तो दिख ही रहा है। देखिए, विद्यालय हमारे लिए हमेशा मंदिर और मस्जिद का रोल प्ले करते आए हैं, हमने अपने गुरुओं से सीखा है, जहाँ पर हमने अपने गुरुओं से सीखा है वहाँ आज इतना नफरत का बाजार सजा दिया गया है, इतनी नफरतें फैला दी गई हैं, जहाँ पर गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक समान होते थे, वहाँ वो अपने बच्चों को अपना बच्चा कहकर उनके नाम लेकर संबोधित करते थे, आज वहाँ पर वो हिंदू और मुसलमान हो गए हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकता है? ये भी उठता है आप लोगों पर कि हिंदू मुस्लिम का जो एक बात है, इस पर बीजेपी कब बोलती है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कब करती है? सवाल ये उठ रहा था कि ये चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, हिंदू मुस्लिम वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। देखिए, निस्संदेह हम हिंदू और मुस्लिम
और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी हम सब भारतवासी हैं, हम सब भाई हैं, हम इसमें अटूट विश्वास रखते हैं। परंतु आप ये मत कीजिए कि कहिए कि चुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। पिछले 9 साल में बीजेपी ने किया ही क्या है? अभी तक तो आप देख रहे थे कि एक भीड़ आती थी, किसी मुसलमान को मार देती थी, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी चोरी के नाम पर। फिर हमने देखा कि ये जहर सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं रह गया, ये जहर इतना फैल गया कि हमारे पुलिसकर्मियों तक में फैल गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि एक रेलवे पुलिसकर्मी जिसने ढूंढ ढूंढ कर मुस्लिम लोगों को गोली मार दी और उसमें बाद में कहा कि भारत में रहना होगा, तो मतलब कि इस प्रकार के उसने शब्द कहे कि मोदी और योगी के लिए उसने वोट अपील कर डाली, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ तक था कि भाई आप बड़े लोगों को, वयस्क लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, परंतु अब आप बच्चों पर आ गए और बच्चों पर आने का मतलब एक शिक्षिका के हृदय के अंदर इतना विष। और जो व्यक्ति उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो भी कुछ मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता लगता है। तो ऐसे माहौल में ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व नहीं है, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व नहीं है, हम में से हर हर भारतीय, हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे अत्याचार के ऊपर हम लोग अपनी आवाज बुलंद करें, कानून के दायरे में रहकर बुलंद करें और ऐसे अपराधियों को सजा हो। अगर हमने इन गलतियों के ऊपर हम मौन रहे, हम ना बोले, तो हमारा अपने देश की इस सभ्यता को, इस हिंदू मुसलमान एकता को हम किस प्रकार बचा पाएंगे, हमें यह सोचना होगा। ये घटना हमें आज आपको और मेरे को इसलिए साथ होना चाहिए था, जैसे कि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे कि चंद्रयान पर हम बात करेंगे, हमें बात करनी थी चंद्रयान के ऊपर कि समूचे विश्व में हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं, बात इस पर होनी चाहिए थी। मगर हमने इतना कलंकित कर दिया है, चंद्रयान जो फोटो भेज रहा है, जो गड्ढे चंद्रमा के अंदर हम देख रहे हैं, ये मौजूदा लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है, इन्होंने देश के अंदर वो गड्ढे पैदा कर दिए हैं जो आप चंद्रमा के अंदर देख रहे हैं। गड्ढे खत्म कैसे होंगे? अगर आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता चला जा रहा है या हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये मसला जो है वो घर का मसला घर में सुलझा लेना चाहिए, बात करनी चाहिए बैठ के? राहुल जी से आप कह सकते हैं, इमरान भाई आपके भाई आप बोलते हैं उनको, उनसे आपको कहना चाहिए। देखिए, आज सुबह ही जब मैं सुबह सोकर उठा हूँ, 6:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, सबसे पहले मैंने राहुल जी का ट्वीट देखा जो कि अभी आपने पढ़ के सुनाया, जी ने प्रियंका गांधी जी ने उनके ऊपर ट्वीट किया और इमरान भाई बाकायदा उस बच्चे के पेरेंट्स से बात की, उसके पिताजी से बात करी और उनको आश्वासन दिया, उनको सहानुभूति दी और उनसे कहा कि हम आपके साथ में हैं। तो कांग्रेस पार्टी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी समूचा कांग्रेस परिवार देश के साथ है। और देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी का साफ कहना है कि मोहब्बत के बाज़ार में हम लोग नफरत के बाज़ार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो हमारी राजनीति मोहब्बत की राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है, भेदभाव की राजनीति नहीं है। हमारा मानना यह है कि सारे भारतवासी एक हैं, जो हमने बचपन से पढ़ा, जो हमने बचपन से सीखा, हम बचपन से कैसे आए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना होगा और इन पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा हर भारतवासी को, हर क्षेत्रवासी को यह समझना होगा कि इस नफरत की राजनीति को खदेड़ देने का समय आ गया है। यदि हमने इस नफरत की राजनीति को नहीं खदेड़ा तो इसी तरह से ये सब कुछ होता रहेगा, हम इसमें उलझे रहेंगे और घोटाले पे घोटाले होते रहेंगे, जिस प्रकार से अभी 7 घोटाले सामने आए हैं। अब आप सोचिए, महिला बाल विकास मंत्री, अभी मैंने देखा कि शायद उनका कोई ट्वीट आया हो, मौन है, महिला बाल विकास मंत्री चुप हैं, बड़े पदाधिकारी चुप हैं, वहां के मुख्यमंत्री साहब का भी कुछ शायद नहीं आया है। तो भाई साहब, हमको इन चीज़ों में उलझा कर रखा जाएगा और पीछे बहुत बड़े बड़े घोटाले होते रहेंगे। जैसे कि आप पत्रकार हैं, आपकी नॉलेज में होगा, 7 बड़े घोटाले हो गए हैं। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जहां पर 18 करोड़ खर्च होना था, वहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च हो गया है। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और देश की जनता को इसमें उलझा कर कहीं ना कहीं अपना मार्ग सीधा किया जा रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी, राहुल जी और हम सब मिलकर, इमरान प्रताप गढ़ी जी मिलकर, कांग्रेस का क्या कार्यकर्ता मिलकर इस नफरत की राजनीति को खदेड़ देंगे।